एक तो ना त्योहारों में मिठा खा खा के जंक फूड खा खा के मेरा वेट गेन हो गया और ऊपर से सारे के सारे सूट मेरे फंस चुके हैं। आज बनाऊंगी बढ़िया सी ग्रीन स्मूदी, अपनी बॉडी को करूंगी बढ़िया सी डिटॉक्सिफाई और आज से खाना पीना सब बंद। ओए चिप्स खा ले। नहीं यार मैंने नहीं खाने। सुबह से कुछ नहीं खाया, खा ले। हाँ सुबह से कुछ नहीं खाया, ये तो मैं खा ही सकती हूँ। बिल्कुल थोड़े मुझे भी दे दे। क्या आपको भी ये लगता है कि डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक पी के और साथ में फैट डाइट फॉलो करने पे आपका फैट लॉस होना शुरू हो जाएगा? वेल गाइस नो, इट हैज टू बी कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। हाय एवरीवन, मैं हूं मुक्ति गौतम, आप सबके फिटनेस कोच। सो गाइस इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे काफी लोग बोल रहे हैं कि प्लीज कोई ना कोई चैलेंज शुरू करो क्योंकि मिठाइयां खा खा के हम सबका वेट गेन हो चुका है। सो गाइस मैं लेके आ गई हूं आप सबके लिए 30 डेज चैलेंज और इन 30 दिनों के लिए आपको इन 10 स्टेप्स को फॉलो करना है। सो मेक श्योर कि वीडियो को एंड तक देखें, ज्यादा टाइम करते हैं वीडियो को शुरू। इस टाइम मैक्सिमम लोगों का ध्यान इस चीज पे कि किस तरीके से हम अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं। सो गाइस मैं आपको बता दूं कि हमारी बॉडी की नेचुरल एबिलिटी होती है खुद को डिटॉक्सिफाई करने की, चाहे वो यूरिनेशन के थ्रू है, डेफिकेशन के थ्रू है, लीवर, लंग्स या किडनी, और इसमें सबसे बड़ा रोल है आपकी स्किन का। तो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए सिर्फ डाइट पे ध्यान नहीं देना है, एक्सरसाइज भी करनी इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपकी स्किन के थ्रू आपके जो टॉक्सिन है वो बाहर निकलते हैं। तो सारे के सारे 10 स्टेप्स अच्छे से सुनना और 30 दिन के लिए आपको फॉलो करने हैं। टिप नंबर 1, डू नॉट ट्राई टू बैलेंस। अब काफी सारे लोग अपनी पुरानी अनहेल्दी डाइट को बैलेंस करने के चक्कर में करने वाले हैं, बहुत सारी फैट डाइट, जीएम डाइट, कीटो डाइट, बट आपको ये नहीं करना है। तो इन 30 दिनों में आपका मकसद होना चाहिए है टू स्टार्ट फ्रेश। तो आपको किसी तरीके की अनहेल्दी डाइट प्लान को फॉलो नहीं करना है, मेन मकसद होना चाहिए है कि आपको अपने लाइफस्टाइल को इंप्रूव करना है। आपका डाइट प्लान ऐसा होना चाहिए जो कि सेफ हो, इफेक्टिव हो, सस्टेनेबल हो, यानी कि आपने 4 दिन फॉलो किया और उसके बाद आप 6 महीने के लिए फिर से कुछ भी खाए जा रहे हो, एंड इट शुड बी न्यूट्रिशियस एंड कंप्लीट। सो वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि एंड में मैंने बताया कि आपको क्या क्या खाना है और किस तरीके से खाना है। स्टेप नंबर 2, सुबह उठते ही आपको गुनगुने पानी में डालना है ब्लैक सॉल्ट और नींबू, वो पीना है। मेक श्योर कि आप खूब सारा पानी पिए, सर्दियां आ रही है और कहीं ना कहीं हम अपना पानी का इंटेक कम कर देते हैं। सो मेक श्योर कि आप हमेशा अपने साथ वाटर बॉटल रखें। तो आपको अपने एक हैबिट में छोटा सा चेंज लेके आना है, दैट रिप्लेस योर स्पोर्ट्स ड्रिंक एंड एनर्जी ड्रिंक विद कोकोनट वाटर। और कोकोनट वाटर हम तभी पीते हैं जब तक हम बीमार नहीं पड़ते या फिर हमें डॉक्टर रिकमेंड नहीं करते हैं। और कोकोनट वाटर के कितने फायदे हम सबको बताए, इट इज रिच इन मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आई साइट के लिए बहुत अच्छा है, आपकी बॉडी में से टॉक्सिंस को रिमूव करने में हेल्प करता है, किडनी के लिए बहुत अच्छा है और यूरिनरी ट्रैक को क्लींस करने में हेल्प करता है। स्टेप नंबर 3, आपको डिनर करने के बाद करनी है 10 से 20 मिनट की वॉक, स्लो पेस पे वॉक करनी है। वैसे तो आपको हर दिन 30 दिनों के लिए करना है, बट अगर आप ये अपनी लाइफ टाइम के लिए आदत बना ले देन इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। स्टेप नंबर 4, आपके घर में जो भी मिठाई, नमकीन, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, इन सब के जो डब्बे हैं उसको घर से रिमूव कर दो। बेसिकली जो लोग नीडी हैं आप उनको दे दो। आपको ये सब चीजों को घर पे नहीं रखना है। अगर आप ये सोचते हो कि हाँ एक दो मिठाई का टुकड़ा अगर हमने खा लिया तो क्या फर्क पड़ता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। सो अगर आपका चैलेंज कल से शुरू हो रहा है, फटाफट इन चीजों को आप घर से बाहर निकालो। स्टेप नंबर 5, 30 डेज के लिए आपको करनी है एक्सरसाइजेस। और एक्सरसाइजेस क्यों करनी है ये जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो उससे निकलता है पसीना और पसीने के थ्रू आपकी बॉडी से टॉक्सिंस बाहर निकलते हैं, एंड आवर स्किन इज कैपेबल ऑफ रिमूविंग टॉक्सिंस फ्रॉम आवर बॉडी, जैसे कि मेटल्स में आर्सेनिक, मर्क्यूरी, लेड, इन सबको रिमूव करने में हेल्प करता है। और आपको कब कब कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है कि day 1, day 2, day 3 पे आपको कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है और कब कब आपको रेस्ट करना है। वैसे नॉर्मल एक्सरसाइज करके तो आपकी बॉडी से टॉक्सिंस बाहर निकलेंगे ही निकलेंगे, बट अगर आप चाहते हो कि टॉक्सिंस और भी ज्यादा निकले तो उसके लिए आप एक चीज कर सकते हो, एक्सरसाइज करने से पहले मेक श्योर कि आप अपनी बॉडी को अच्छे से ऑयल से मसाज कर ले। आप कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हो, तिल का तेल यूज कर सकते हो, जो भी ऑयल आपको सूट करता है, उसके बाद आप एक्सरसाइज करें। स्टेप नंबर 6, दिन में एक बार आपको कोई ना कोई हर्बल या आयुर्वेदिक ड्रिंक पीनी है। अगर आपको ग्रीन टी का फ्लेवर ज्यादा अच्छा नहीं लगता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी कुछ आयुर्वेदिक टीज जो कि मैं पर्सनली पीना बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। ये आपके सेल डैमेज को स्लो डाउन करेगा, आपकी स्किन को और भी ज्यादा यूथफुल बनाएगा, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट अप करेगा और साथ ही साथ आपको फैट लॉस में हेल्प करेगा। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ रेड टी की तो इसका मेन इंग्रेडिएंट है हिबिस्कस, जो कि आपकी वेस्ट लाइन को कम करेगा, बॉडी में फैट को कम करने में हेल्प करेगा। इट इज रिच इन मैंगनीज, आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखेगा और अगर आपको पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज्यादा स्टमक एक होता है तो उसको कम करने में भी हेल्प करेगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी तो वहां से क्लिक कर
करके आप चेक कर सकते हैं ओम धातु की आयुर्वेदिक टी। स्टेप नंबर 7, ब्रेकिंग योर हैबिट्स। अब आपकी आदत बन चुकी है कि जब भी आपको रात को क्रेविंग्स होती है, आप जाते हो सेंटर टेबल पे, वहाँ पे पड़ा होता है मिठाई का डब्बा और बिस्किट नमकीन पड़ी होती है, खाते हो और वापस आ जाते हो अपने बेड पे सोने। अब ये जो आपकी आदत बन चुकी है, इसको हम चेंज कैसे करें? सो इसको चेंज करने के लिए यू नीड टू चेंज योर अरेंजमेंट्स और चेंज योर पोजीशन। सो बेसिकली जहाँ पे आपको पता है कि आप हर बार इस टेबल पे आके कुछ ना कुछ खाते हो, वहाँ पे जो मिठाई का डब्बा पड़ा है, नमकीन पड़ी है या कोई भी अनहेल्दी चीज पड़ी है, उसको वहाँ से हटा दो। उसकी जगह पे आप फ्रूट्स या कोई हेल्दी चीज रख लो या फिर ड्राई फ्रूट का मिक्सचर रख लो, सो दैट जब भी आप वहाँ से गुजरो आपको वहाँ पे मिठाई के डब्बे की जगह फ्रूट्स दिखाई दे। स्टेप नंबर 8, आपको 30 डेज के लिए करनी है इंटरमिटेंट फास्टिंग। एंड गाइस, दिस इज वन ऑफ द सेफेस्ट, मोस्ट इफेक्टिव एंड सस्टेन्ड वे टू लूज योर वेट। तो इससे पहले काफी लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी कैसे है। बहुत ही ज्यादा सिंपल है इंटरमिटेंट फास्टिंग करना। इनफैक्ट जो हमारे इंसेस्टर्स हैं, काफी टाइम से इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, बट हमें ये नहीं पता था कि अच्छा इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं। तो बिल्कुल देसी तरीके से बताऊं, हम जब रात को खाना खाते हैं और उसके बाद 8-9 घंटे के बाद हम ब्रेकफास्ट करते हैं, तो वो बेसिकली हमारा फास्टिंग पीरियड चल रहा होता है। हमने इस टाइम पीरियड को थोड़ा बढ़ा देना है, तो हम करेंगे 16/8 की इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी कि 16 घंटे हमने करनी है फास्टिंग, ये रहेगी हमारी फास्टिंग विंडो, और 8 घंटे होगी हमारी ईटिंग विंडो, जिस विंडो के बीच में हमें खाना है। तो हमारी फास्टिंग विंडो शुरू होगी शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक, यानी कि आपकी जो लास्ट मील होगी वो 5:30-6 बजे तक हो जानी चाहिए है। तो शाम को 6 बजे से लेके अगले दिन सुबह 10 बजे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है, कोई भी ऐसी चीज नहीं लेनी है जिसके अंदर कैलोरीज हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फास्टिंग पीरियड में हम फ्रूट्स खा लेते हैं, हेल्दी होते हैं, सब्जियां खा लेते हैं, दूध पी लेते हैं, गुड़ खा लेते हैं, तो आपको इनमें से कुछ भी नहीं खाना पीना है फास्टिंग, यानी कि प्रॉपर फास्टिंग। तो फास्टिंग के टाइम पे आप क्या क्या ले सकते हो, मेक श्योर कि आप खूब सारा पानी पियो। खूब सारा पानी पियोगे तो आपकी बॉडी ज्यादा अच्छे से डिटॉक्सिफाई होगी। सेकंड, आप नींबू पानी ले सकते हो और उसमें अगेन आपको चीनी, शहद, गुड़ कुछ भी नहीं डालना है, कोई कैलोरी वाली चीज नहीं लेनी है। आप ग्रीन टी ले सकते हो, आप हर्बल टीज ले सकते हो, आप एप्पल साइडर विनेगर, ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी, ये सब चीजें ले सकते हो, बट अगेन उसके अंदर दूध, चीनी कुछ नहीं डालना है। अब सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक आपको किन किन चीजों को अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। सबसे पहले आपको घर का बना खाना खाना है इन 30 दिनों में। तो अगर आप बाहर जा रहे हो, मेक श्योर कि आप अपना टिफिन साथ में लेके जाओ, और स्नैक्स के नाम पे आपको बिस्किट और नमकीन बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। तो अगर आपका स्नैक का टाइम होता है तो आप बड़ा बोल भर के फ्रूट्स का खा लो, या फिर अगर आप अपनी ग्रीन टी ले रहे हो उसके साथ आपने मखाने ले लिए या फिर ड्राई फ्रूट का मिक्सचर रख लिया। प्रोटीन रिच डाइट आपको लेनी है, जिसमें कि आप राजमा चावल, छोले चावल, चने चावल, इन सबको अपनी डाइट में इंक्लूड करो। पनीर लो, टोफू अपनी डाइट में इंक्लूड करो, सोया चंक्स हो गए। सो मेक श्योर कि दिन में एक बार इनमें से कोई ना कोई एक चीज जरूर लो। और लंच में आपको एक चीज जो हर दिन लेनी है, दैट इज छाछ, स्पेशली 12 से 2 के बीच में नमकीन लस्सी बोलो, छाछ बोलो। अगर आपके पास ये नहीं है, आप दही जरूर इंक्लूड करें, ये आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। तो अगर आप ये इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो 30 डेज के लिए, मेक श्योर कि आप डेडिकेशन के साथ करो। ये नहीं कि हाँ आज फंक्शन आया तो आपने वहां जाके 6 बजे के बाद डिनर कर लिया। आपका फिक्स होना चाहिए कि 6 बजे तक आप अपना प्रॉपर मील वगैरह खा के रखें, और 6 बजे के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। और अगर कोई करे आपके साथ जबरदस्ती, तो आप डायरेक्ट बोल दो कि भाई साहब दिन ढलने के बाद मैं तो कुछ नहीं खाती या कुछ नहीं खाता। और आजकल लोग अंडरस्टैंड भी करते हैं, क्योंकि हर कोई हो चुका है हेल्थ कॉन्शियस। इनफैक्ट पहले के जमाने में तो यही होता था कि लोग दिन ढलने के बाद कुछ नहीं खाते थे, सारा कुछ दिन ढलने के पहले खा लेते थे। स्टेप नंबर 9, इन 30 दिनों के लिए आपको घर का बना फ्रेश खाना खाना है। बिकॉज जब आप फ्राइड फूड, प्रोसेस्ड फूड, ये सब जंक फूड खाते हो, तो आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होते रहते हैं। तो 30 दिनों के लिए सिर्फ घर का खाना। स्टेप नंबर 10, आपको हर दिन 30 दिनों के लिए करने हैं 10,000 steps पूरे। और अपने स्टेप्स को ट्रैक करने के लिए आप कोई ना कोई फोन पे एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, या फिर स्मार्ट वॉच का यूज कर सकते हो। एंड अगर आपके पास ये सब चीजें नहीं है, तो आप हर दिन कम से कम घंटा या 1.5 घंटा वॉक करो, सुबह का टाइम, शाम का टाइम, दोपहर का टाइम, रात का टाइम, जब भी आपको टाइम मिल रहा है। और इन 30 दिनों में बहुत बार ऐसा भी होगा कि आपसे सुबह शायद जल्दी ना उठा जाए, या फिर आपका दिन इतना ज्यादा बिजी हो कि आप अपने लिए 1 घंटा ना निकाल पाए वॉक करने के लिए। तो गाइस, आपको उस दिन कोशिश ये करनी है कि आप ज्यादा फिजिकली एक्टिव रहे, जैसे कि लिफ्ट का यूज करने के बजाय आप ज्यादा पैदल चले, किसी का बैठ के वेट करने के बजाय आप कोशिश करें कि आप चल चल के वेट करें। अगर आप फोन पे बात कर रहे हो तो मेक श्योर दैट यू वॉक एंड टॉक। उसके अलावा अगर आप शॉपिंग पे जा रहे हो, तो उस टाइम पे भी आपका ध्यान ये होना चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा चले। तो मेन मकसद है ज्यादा
ज्यादा फिजिकली एक्टिव रहने का। एंड अगर आप ये 30 डेज का चैलेंज ले रहे हो तो फटाफट कमेंट कर दो दैट यस आई एम टेकिंग दिस चैलेंज। एंड अगर आप ये चैलेंज हर दिन 30 दिनों के लिए करोगे और इंस्टाग्राम पे मुझे टैग करोगे, यानी कि जैसे अगर आप ग्रीन टी ले रहे हो या फिर आप वॉक कर रहे हो उसकी फोटो क्लिक करके आपको इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डालनी और मुझे टैग करना, अदरवाइज मुझे नहीं पता चलेगा कि आप ये चैलेंज ले रहे हो। Day 1, Day 2, Day 3 आपको रेगुलरली 30 डेज के लिए मुझे टैग करना है। और जो लोग मुझे रेगुलरली टैग करेंगे 30 डेज के लिए इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके, उनके लिए होने वाला है बहुत ही बड़ा सरप्राइज, वो आप देख सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पे। और देखते हैं इस बार कौन चैलेंज जीतने वाला है, क्योंकि पिछली बार मैंने 5 लोगों को चूज किया था बिकॉज सबने इतनी मेहनत की, तो मैंने सोचा कम से कम 5 विनर्स तो मैं निकालने वाली हूँ। इंस्टाग्राम पे मुझे फटाफट फॉलो कर लो, अदरवाइज मुझे नहीं पता चलेगा कि आप ये चैलेंज ले रहे हो या नहीं। डोंट फॉरगेट टू टैग मी ऑन इंस्टाग्राम एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। यार यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो फटाफट इस टाइप की और वीडियोस देखने के लिए, मोटिवेटेड रहने के लिए। बाय।